नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके बहुत ही खास राशिफल के बारे में बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके ग्रह की स्थिति कैसी रहने वाली है और क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होने वाला है। दोस्तों किन किन चीजों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से बड़े बड़े कार्य आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं। दोस्तों इस समय आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य करियर कैसा रहने वाला है और दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों में आपके पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर के स्थितियां कैसी बन रही हैं। दोस्तों इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर पर आधारित है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस करने की गलती ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके आने वाले 24 घंटे के बारे में। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख दें सच्ची श्रद्धा आपसे लिखे ओम नमः शिवाय जय महाकाल, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि आपके संबंध कैसे रहेंगे। दोस्तों इस समय नई नई जानकारी आपको मिल सकती है जो भविष्य के लिए आपके काफी लाभदायक रहने वाली है। दोस्तों विद्यार्थियों तथा युवा वर्ग को अपनी परीक्षा से संबंधित दिक्कतों का समाधान मिल सकता है और दोस्तों आप अपने नकारात्मक परिवर्तनों को थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है और आपको बता दें कि चिड़चिड़ापन आपको आपके लक्ष्य से विचलित कर सकता है। आत्मावलोकन करने से आपको आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी मिलेगा। व्यवसाय से संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने में अगर असमंजस की स्थिति बना रहे थे, इसलिए आपका कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थियों को कहीं नौकरी संबंधी वैवाहिक परीक्षा में थोड़ा सा अनुकूल परिणाम मिल सकता है और इसकी संभावना बन रही है। दाम्पत्य जीवन में आपको सामंजस्य बनाए रखने के लिए अगर आपको झुकना पड़ना है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए आपको समय निकालना आवश्यक रहेगा और समय की गति आपके पक्ष में रहने वाली है। आपको अपनी योजना को निरंतर चलाते रहना चाहिए और क्रियान्वित करने का उचित समय रहने वाला है। लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिलने वाली है। इस समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। घर के अन्य सदस्यों की सलाह अवहेलना और बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों कुछ दुश्मन आपके जलन की भावना से आपके साथ में कुछ नकारात्मक अफवाह फैला सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, आपका कोई भी अहित नहीं होगा। और दोस्तों बिजनेस के नजरिए से समय आपका अनुकूल रहने वाला है। बड़े एग्रीमेंट होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको अपनी गतिविधियों में अनजाने स्थान से बिल्कुल भी शेयर ना करें, वरना कोई विरोधी इसका लाभ उठा सकता है। और दोस्तों आपको बता दें कि वैवाहिक संबंधों में अगर चल रहे तनाव हैं तो आपके वह सब दूर होने वाले हैं। घर का वातावरण पुनः सुखद और मधुर रहने वाला है। दोस्तों घर में नजदीकी संबंधों के आगमन से आपके लिए उत्साह भरा माहौल रहने वाला है। दिन घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने में तथा सुख सुविधाएं जैसी वस्तुओं की खरीदारी करने में व्यतीत हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बच्चों की परेशानियों का समाधान करने में आपको उनकी मदद करना आवश्यक रहने वाला है। आय के साधनों में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने बजट के अनुसार ही खर्च करने की प्रयास करना चाहिए। भाई बहनों के साथ में दोस्तों संबंध मधुर बनाकर रखने चाहिए, इसके लिए आपको प्रयास करना काफी अच्छा रहेगा। व्यवसाय को लेकर के आपके लिए कोई चिंता परेशानी रह सकती है। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी फैसला आपको अकेले लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या आपको टीम वर्क करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के साथ में सरकारी मामलों में थोड़ा सा फंस सकते हैं, आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा और आपके जीवन में निरंतर काम करने की ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। दोस्तों कोई जमीन जायदाद संबंधित मामला अगर चल रहा है तो आज आपको उसे सुलझाने का अनुकूल समय रहने वाला है। इस समय प्रकृति आपका भरपूर साथ दे रही है। मौसम अच्छा होने के कारण आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। दोस्तों मन में आ कारण ही कुछ उदासी जैसी स्थिति आपके उत्पन्न हो सकती है। क्रोध जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखना, किसी संबंधी या फिर किसी पड़ोसी के साथ में वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने आप को सकारात्मक गतिविधियों में सम्मिलित रखें। उस तो किसी समस्या का समाधान आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह से आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा भी वापस आने वाली है। दोस्तों कोई शुभ समाचार आपको मिलने से आपका घर परिवार काफी अच्छा रहने वाला है। अनुभवी लोगों के साथ में आपके काम करने की वजह से आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा
और उनकी सफलता प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको उनकी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक होगा। फिजूल खर्ची से दोस्तों आपको बचना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक खुशी खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण योजनाओं पर आपको पुनः विचार करने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों थोड़ा सा इसे स्थगित रखिएगा, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में पेपर वर्क बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, जरा सी सावधानी आपको बहुत बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। दाम्पत्य जीवन में किसी भारी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही व्यवस्था खराब कर सकती है। कोई भी पारिवारिक मसला आपस में ही बैठकर सुलझा लें, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दोस्तों आपको अपनी मेहनत के परिणाम बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल बनी हुई हैं। पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में आपके विघ्न बाधाएं आ रही थी, काम रुके हुए थे, वे आज आपकी सूझबूझ और समझदारी से पूरे हो जाएंगे और समय रहते आप अपने कार्य को कर न पाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की गलतियों पर आपको डांट फटकार करने से उनके अंदर हीन भावना आ सकती है। बेहतर होगा कि आप उन्हें समस्याओं को समझाइए और उनको संभाल लीजिए। दोस्तों कोई भी कार्य करते समय आपको अच्छे और बुरे पहलुओं दोनों पर विचार करना आवश्यक है। व्यवसाय संबंधित कोई फैसला लेने में ज्यादा आपको सोच विचार बिल्कुल नहीं करना है और तुरंत ही आपको काम अपना शुरू कर देना है। व्यवसाय गतिविधियां सुचारू रूप से आपकी चलती रहेंगी, इसमें कोई अनबन नहीं होगी। दोस्तों कुछ नए प्रोजेक्ट मिलने पर भी आपकी समस्याएं संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सरकारी नौकरी वालों को अथॉरिटी मिलने से थोड़ा तनाव रहने वाला है। किसी धार्मिक और अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में आपको कुछ समय व्यतीत करने से आपकी समस्या का हल जल्द ही निकल जाएगा। और दोस्तों नए लोगों से मिलने से आप अपनी विचारधारा में नए परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों को इंटरव्यू या फिर नई जॉब को लेकर के थोड़ी सी चिंता रह सकती है। और दोस्तों परीक्षाओं में आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है, इसलिए आपको इस समय अपना ध्यान केंद्रित केवल पढ़ाई पर ही करना चाहिए। आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखने चाहिए, इनके गुम होने की आशंका आज लग रही है। समय समय पर बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना बेहद आवश्यक है। किसी नजदीकी संबंधित वाद विवाद होने से आपके स्वाभिमान को थोड़ी ठेस पहुंच सकती है। दोस्तों नवीन कार्य प्रणाली संबंधी योजनाएं कार्य पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों आज आपका कोई महत्वपूर्ण काम समय पर पूरा न होने से तनाव थोड़ा रह सकता है, इसलिए आपको अपने ऊपर काम का ज्यादा बोझ नहीं देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।